नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे औरंगाबाद के पर्यटन स्थलों के बारे में। बिहार के मौजूदा 38 जिलों के प्रमुख पर्यटन स्थलों और उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं के क्रम में आज हम आपको औरंगाबाद जिले से परिचित करवाएंगे। किसी क्षेत्र से जुड़े पर्यटक स्थल खुद में ही एक जीवंतता को अभिव्यक्त करती है और ये जीवंतता बयां करता है क्रमशः विकास के उन प्रक्रियाओं को जो संस्कृति के पन्नों के रूप में हमारे सामने खुलती है। इन पन्नों पर बिहार के औरंगाबाद की कई तस्वीरें हैं जो सैलानियों को अपनी ओर खींच लेती है। औरंगाबाद में पर्यटन का मुख्य केंद्र धार्मिक स्थल है, जिसमें प्राचीन मंदिर मस्जिद के साथ धार्मिक त्यौहार एक अलग ही रूप में है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे देव सूर्य मंदिर की। यह भारतीय राज्य बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू मंदिर है जो देवता सूर्य को समर्पित है। मंदिर का शिल्प उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से मिलता है। तमाम हिंदू मंदिरों के विपरीत यह पश्चिमाभिमुख देव सूर्य मंदिर देवार्क माना जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज्यादा फलदायी एवं मनोकामना पूर्ण करने वाला है। प्रचलित मान्यता के अनुसार इसका निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने सिर्फ एक रात में किया है। इस मंदिर के बाहर पाली लिपि में लिखित अभिलेख मिलने से पुरातत्वविद इस मंदिर का निर्माण काल 8वीं-9वीं सदी के बीच का मानते हैं। मंदिर के नामकरण और निर्माण को लेकर अनुश्रुतियां अपनी जगह हैं। पुरातात्विक प्रमाण भी इसकी प्राचीनता की ओर इशारा करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे छठ पर्व की। छठ पर्व बिहार का मुख्य पर्व और इसके उत्पत्ति किस स्थान से हुई, शायद इससे बहुत लोग अनजान होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के त्योहारों में छठ पर्व के विशेष उल्लेखनीय होने के पीछे की कथा की शुरुआत औरंगाबाद जिले से ही होती है। यहाँ देश ही नहीं विदेश के लोग भी आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। केवल दंतनी है कि देवासुर संग्राम में जब असुरों के साथ देवता हार गए, तब देव माता अदिति ने देवारण्य में छठी मैया की आराधना करके तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की थी। वे त्रिवेदी रूप आदित्य भगवान थे, तभी से इस धाम का नाम देव हुआ और छठ पर्व की परंपरा भी शुरू हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे उमगा मंदिर की। मदनपुर प्रखंड के उमगा पहाड़ी पर स्थित भगवान सूर्य का ऐतिहासिक धार्मिक एवं प्राचीन उमगा मंदिर है। यह मंदिर जिले ही नहीं बल्कि राज्य की धरोहर सूची में शामिल है। 1496 ईसाई पूर्व में इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। मंदिर के शिलालेख से पता चलता है कि पहले यह जगन्नाथ मंदिर था। 1496 ईसाई पूर्व से सूर्यवंशीय राजा भैरवदेव ने मंदिर के गर्भगृह से बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा स्थापित की थी। बाद में यह प्रतिमा समाप्त हो गई। प्रतिमा को समाप्त होने के बाद भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित हुई, तब से यह मंदिर सूर्य मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। आगे हम बात करेंगे हजरत सैदाना मोहम्मद जिलानी की मजार की। हजरत सैदाना मोहम्मद जिलानी की मजार इस्लाम धर्म के लिए श्रद्धा का केंद्र है, जो पचरुखिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजरत सैदाना इस्लाम धर्म के संत थे। पूरे भारत में जून महीने से इस्लाम के लोगों का भारी भीड़ यहाँ इकट्ठा होता है। अगला हम बात करेंगे श्री दुग्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर देवकुंड के बारे में। बाबा दुग्धेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर कुंड से कुछ दूरी पर सहस्त्रधारी के किनारे है, जहाँ पहले भगवान श्री राम और बाद में चैवन ऋषि ने पूजा अर्चना की थी। कहा जाता है कि देवकुंड वो धरती है जहाँ भगवान श्री राम गया में अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए पूर्व ही भगवान शिव की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी। बाद में महर्षि चैवन ने उसी स्थल को अपनी तपोभूमि बनाया था, वर्षों तपस्या की थी। 500 वर्षों पूर्व बाबा बालपुरी ने चैवन ऋषि के उसी आश्रम में साधना की और हवन करने के बाद जिंदा समाधि ले ली। तब से उस कुंड की अग्नि आज तक प्रज्वलित है। प्राचीन राजा हर्षवर्धन के दरबार में महान कवि बाण भट्ट से संबंधित प्रतिकूट आज पीरू के नाम से ऐतिहासिक महत्व रखता है। ऐसे ही ऐतिहासिक महत्व के लिए और ऐतिहासिक जानकारी के लिए सीरीस भी दर्शनीय स्थल है, जहां औरंगजेब के शासनकाल की मस्जिद स्थित है। पवई, माली और चंदनगढ़ का किला उन साक्ष्यों के रूप में देखा जाता है जो मध्यकाल के दौरान ही राजस्थानियों के आने पर बसने का सबूत पेश करते हैं। खंडहर के रूप में आज भी ये उन कालों का स्मृति को बनाए हुए हैं। आइए अब हम बात करते हैं इस जिले की खास व्यंजन के बारे में। बिहार का हर जिला खाने को लेकर स्थानीय तौर पर विशेष पहचान और स्वाद रखता है, जिन्हें केवल बिहार के और उस जिले के निवासी ही परिचित होते हैं। औरंगाबाद में भी कुछ पकवान हैं जो काफ़ी स्वादिष्ट माने जाते हैं। यहाँ की चिकन बिरयानी, खलियाँ, नॉन खलियाँ, गोश्त की तहारी,
तुर्की के खानों का जायका गुड़ की अम्बा मिठाई काफी प्रसिद्ध है। महोत्सव की बात करें तो बात अगर हम औरंगाबाद जिले में किसी खास महोत्सव की करें तो देश में त्रेता युगीन सूर्य मंदिर में देव सूर्य महोत्सव के आयोजन की एक अपनी अलग पहचान है। यह 1998 से हर साल सूर्य देव के जन्म के अवसर पर यानी बसंत सप्तमी को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन वहां के ब्रह्मकुंड में इतनी भव्य गंगा आरती होती है कि देश के कोने कोने से लोग देखने आते हैं और आमंत्रित फिल्मी कलाकारों के आयोजन से पूरा देव उस दिन झूम उठता है। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों को बताने के क्रम में हम दूसरे जिले को अगले वीडियो में जल्द से लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे दीजिए और बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। इसके साथ ही अगर आप इस जिले में रहते हैं या आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया है तो आपके अनुसार सबसे मशहूर चीज यहाँ की कौन सी है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।